पूछना चाहना कि तू किहड़े अधिकार नाल साडे नौजवानां नूं एनएसए ला के आसाम दीआं जेलां विच भेजा, किहने तैनूं अधिकार दित्ता सीगा, किन्ना खून खराबा होया मणिपुर दे विच, की बीजेपी ने उत्थे एनएसए लाई किसे दे उत्ते, किन्ने 150 तों वध व्यक्ति उत्थे मरिया, औरतां नाल बलात्कार किया गया, किसे दे एनएसए लगी उत्थे मणिपुर दे विच, आ हुणे ताज़ा मुसलमानां दे उत्ते बहुत तशद्दद ढाया गया नूं जिहड़ा हैगा वा हरियाणे दा इलाका फरीदाबाद दे नाल है शायद उत्ते किस तरह के नाल उन्होंने धरड़िया गया, किसे बंदे दे एनएसए लगी बीजेपी ने लाई उत्थे। आ इन्हां दी करतूत आ, उन्हूं कहिंदा वा कि चन्नी नूं कि तू कहिंदा कपड़े खराब पाउणा, तू मेरे नाल रिश्ता करना वा, हुण भगवंत मान तू मैनूं कह रहा कि ते मेरा रंग काला हो गया वा, कोई रिश्ता तां नहीं करना आपां किसे नाल, क्योंकि मैं तां इंट्रस्टिड नहीं गा, मेरे तां अगे पोते ते दोते पैदा होए हुए ने, और तैनूं अपने वाल झात मारनी चाहीदी आ, तेरी उम्र भी पोतियां दोतियां वाली सीगी, लेकिन तुसीं किस नाल शादी कराई आ, अद्धी तो घट उम्र दे नाल, इह मैनूं कहणियां पैणियां गल्लां, मैं कहणियां नहीं सीगियां, लेकिन क्योंकि तू परसनल अटैक ते उतर आया, तू लोकां नूं उहनां दे खून साड़न ते उतर आया, तू प्रताप बाजवा मुतलक लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुतलक भद्दी शब्दावली वरता, वह तेरे बराबर का स्टेटस है उसका, उसनूं बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर का एक कैबिनेट मिनिस्टर का ऑपोजिशन का लीडर बनाया होया वा, फिर तू कहना मैं खैरे का कोई जवाब नहीं देना, क्यों नहीं देना, तू आप ही कहना हुंदा सी ऑपोजिशन विच कि जी मैं लोगों नूं तू आप उसकाउंदा सीगा उकसाउंदा सीगा कि जी अपने मंत्रियों तो अपने एमएलए नूं एमपीआं नूं घेर घेर के सवाल पूछा करो, मैं तो फिर भी इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव हाँ, तेनों तू जवाब दे है 3.25 करोड़ आबादी के कले कले बंदे बशर नूं, मैं तो फिर भी इलैक्टेड एमएलए हाँ, मैं फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाँ, तू विधानसभा के अंदर भी जवाब देने तैयार नहीं, तू बाहर भी जवाब नहीं, और कहना जी पंजाब की गल करो, तेरा की ख्याल है कि मैं गल करता वा, कोई उल जलूल कोई तेरे वांगू मस्करियां करता वा, तेरे वांगू ड्रामा करता वा, मैं जद भी कोई गल की है पंजाब के मुद्दों की गल की है, और तुसी अपने वायदे जड़े वो इन्ने बेशर्मी ना तोड़े ने, आ वीआईपी कल्चर वाला हजार हजार आदमी लेके तुसी घूम रहे हो, तेन शर्म तो नहीं आती होनी कि मैं पहला की कहता सीगा, हुण मैं कितनी फोर्स लेके पुलिस घूम रहा वा, तेन यह भी नहीं शर्म आती होनी कि तू जहां से परिवारवाद का इल्जाम लाता सी कैप्टन ते बादल ते कि परिवारवाद नूं वाधा दिंदा, ते तुहाडा सारा टब्बर सारियां तेरियां औरतां आ सोने नाल लद्दियां होईयां करोड़ करोड़ दियां मुंदियां पा के जनता दे विच जांदियां सरकारी प्रोग्रामां दा उद्घाटन करदियां, तैनूं शर्म तां नहीं आउंदी होणी कि परिवारवाद हुण भी हैगा कोई, और तुसीं कहिंदे असीं आम आम घरां दे मुंडे आ, आम घरां दे मुंडिआं नूं हजार पुलिस वाला गार्ड करदा हुंदा, कमांडोज गार्ड करदे ने, आम घरां दे मुंडे लैक्सस कारां दे विच 2-2 करोड़ दी गड्डियां विच चढ़दे ने, और फिर जदों असीं मसला उठाउने आ कटारू चक दा, आखिर जी असीं आम घरां दे मुंडे, आम घरां दे मुंडे कटारू चक नूं हथियार आ लसंस आ कि उह जिहदे नाल मर्जी बदफैली करे जाके, दीप कंबोज तुहाडा जिहड़ा उत्थों दा हलका इंचार्ज आ अबोहर दा, उहनूं आम घरां दा मुंडा होण करके लसंस मिलेगा कि जिहदी मर्जी धी भैण नूं चक लवे, उह जे आम घरां दी सरबजीत कौर माणूके एमएलए ते उहनूं लसंस मिलेगा कि एनआरए दी कोठी दे उत्ते जाके कब्जा कर लवे, तुहाडा जलालाबाद का गोल्डी बराड गोल्डी एमएलए जिहड़ा जलालाबाद का जो भी उहदा नाम आ उह बस स्टैंड दे अड्डे दी जगह दे उत्ते कब्जा कर लवे, कटारू चक जिहड़ा वा उह 92 किले जमीन हड़प जावे जिहड़ी कि रावी दरिया के कंढे दे उत्ते जिहदा मकसद सीगा कि इत्थे गैर कानूनी माइनिंग करनी है, कुलदीप धालीवाल ते दोनों रल के करप्ट डीडीपीओ नूं लिया के अज वीडियो लाने ने, 2 दिन बाद डीडीपीओ ला लेंगे ने, फिर अडिशनल चार्ज एडीसी का देंगे ने, एक दिन च फैसला करा के 92 किले का अपने बंदियां दे अपने हाथ ठोकिया सोमराज एक्स सरपंच तारागढ़ वगैरह 7 बंदियां दे फैसला करा के पंचायत की जमीन का अगले दिन रिटायर हो जाता, कि तेन कोई ना पुछे इस गल के उत्ते, और तुसी कहने कि मुद्दे की गल आ, मेरे ना कर गल मुद्दे की, मैं तेन पूछना चाहना कि तू किहड़े अधिकार नाल साडे नौजवानों नूं एनएसए ला के आसाम दीआं जेलां विच भेजा, किहने तैनूं अधिकार दित्ता सीगा, किन्ना खून खराबा होया मणिपुर दे विच, की बीजेपी ने उत्थे एनएसए लाई किसे दे उत्ते, किन्ने 150 तों वध व्यक्ति उत्थे मरिया, औरतां नाल बलात्कार किया गया, किसे दे एनएसए लगी उत्थे मणिपुर दे विच, आ हुणे ताज़ा बहुत होए ने की कहिंदे हुंदे ने जी दंगे होए ने उत्थे मुसलमानां दे उत्ते, बहुत तशद्दद ढाया गया नूं जिहड़ा हैगा वा हरियाणे दा इलाका फरीदाबाद दे नाल है शायद उत्ते, किस तरह के नाल उन्होंने धरड़िया गया, किसे बंदे दे एनएसए लगी बीजेपी ने लाई उत्थे, ते केजरीवाल आप कहिंदा वा कि हमने और मिलके बीजेपी ने ऑपरेशन किया और हमने एनएसए लगाई और हमने गिरफ्तार किए आदमी और हमने उनको आसाम में जेल में भेजा, तुसी बीजेपी दे हाथ ठोके हो, उदा तुसी लड़दे होंगे 100 बारी मैनूं नहीं पता, लेकिन तू डरदा उन्हां तों बीजेपी तों अपनी गद्दी बचाउण वास्ते,
तू साडे नौजवानां दे उत्ते एनएसए ला के उन्होंने आसाम किस अधिकार दे नाल भेजा वा, यह समझा। 12 महीने उन्होंने उत्थे रहना वा, उन्हां दी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं कि इसलिए तेनों चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईआं। ना तेरे सिर ते कोई दस्तार दे थले ना तेरे कोई केस है, ना तेरे तू अपने नाम दे नाल सिंह लिखदा वा। मैनू तो लगता तू पग भी आप नहीं बनता, तू कोई होर बंदा रखा, पग टोपी वर्गी पग तेरे सिर ते लिया के रोज रख दिंदे ने, आ तेरी करतूत है ते तू दूजे नूं टिचना करदा यार। कोई शर्म कर, अंदर अपने झात मार। और मैं कहना चाहना, मैं 100 बार मेरे च नुक्स हो सकते, मैं काला हो सकता रंग का, पर मैं कभी अपनी मां की सहु खा के जनता दे विच उहदे सिर ते हथ रख के उहदी सहु तोड़ के शराब नहीं पीती भगवंत। मैं कभी शराब पी के बरगाड़ी के गुरु ग्रंथ साहब के कट्ठ विच नहीं कभी गया। मैं कभी शराब पी के तलवंडी साहब उहदे तख्त दमदमा साहब के गुरुद्वारा विच जनतक तौर पर नहीं कभी गया। मैं कभी शराब पी के पार्लीमेंट विच नहीं वड़िया। तेरे अपने कुलीग्स ने उत्थे कहा कि इहदे तों स्मैल आउंदी है भगवंत मान, नूं कढो इहनूं पार्लीमेंट दे विचों बाहर। और तू असैम्बली च वी शराब पी के आउणा, सारे एमएलए नोट करदे ने कित्थे तू शराब पी के, तेनूं डिगदे देखिया तेनूं लोकां, तू रोटी खाना तेरी बुरकी इधर नूं जांदी है, तू दूजिआं नूं टिचरां करदा यार। दूजिआं नूं टिचरां करन तों पहलां अपने अंदर झात मारो कि तुसीं हैं कौण हो, तुसीं कितना लोकां नाल धोखा कीता, क्या की सी ते कर की रहे हो पंजाब दे विच। और मुद्दों की गल करदा, लै मेरे नाल मुद्दे ते बहस कर। जिहड़ा मैं बिल दित्ता तैनूं कि पंजाब दे विच हिमाचल प्रदेश, राजस्थान अते गुजरात की तर्ज ते गैर पंजाबियों नूं जमीन खरीदण की आग्या ना दित्ती जावे, बिल मैं जनवरी 2023 नूं मैं ते सरदार प्रताप सिंह बाजवा तुहाडे स्पीकर संधवा नूं मिल के दे के आए हुए हां। तुहाडे च जान नहीं गी कि तुसीं उह बिल इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि तुहाडे उत्ते राज करन वाले हैगे ने राघव चड्ढा ते आ तुहाडा केजरीवाल ते जिहड़े गैर पंजाबी ने, उह तुहानूं करन नहीं दिंदे क्योंकि उह चाहुंदे ने कि वध तों वध गैर पंजाबी पंजाब दे विच। साडा मकसद इह सीगा कि साडी आबादी विदेशां विच जा रही है, अज की डेट विच तकरीबन चौथा हिस्सा आबादी साडी शिफ्ट कर चुकी है। उहदी जगह दे उत्ते जिहड़ा आउंदा उह आउंदे सार ही मालिक बन जांदा जमीन दा गैर पंजाबी ते नाल वोटर बन जांदा वा। असीं नहीं किसी के खिलाफ आण के काम करन, कमाइयां करन, 100 वारी करन, सानूं कोई इतराज़ नहीं गल। लेकिन हिमाचल प्रदेश दे एक कानून बनाया होया कि अगर तुसी जमीन खरीदनी है, अगर तुसी इत्थे मालिक बनना हिमाचल प्रदेश विच, तुहानूं इन्नियां शर्तां पूरियां करनियां पैणगियां। उहदे नाल की हुंदा कि साडी डेमोग्राफिक सिचुएशन, साडी आबादी का संतुलन, साडी पग, साडी आइडेंटिटी, क्योंकि जिहड़ी स्पीड नाल लोकी कैनेडा जा रहे ने जां अमेरिका जा रहे ने, इह अज तों 15-20 साल बाद इत्थे पग ते सिख ते पंजाबी तुहानूं उदां ही नहीं लभणे। और कुछ लोग कहिंदे जी आपां नूं कनेडा भी सहारा दिंदा, अंडरस्टैंड करो कि कनेडा की ओरिजिनल पॉपुलेशन शिफ्ट नहीं हो रही, वो कनेडा च बैठे ने, उन्होंने काम करने वास्ते बंदे चाहिए ने, सारे देशों चो मुल्कां दे विचों बंदे लेके आ रहे हैं, लेकिन साडी पंजाब की ओरिजिनल पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है